नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपना अपने परिवार का इस पैंडिक में बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसी समय सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि एक डेवास्टेटिंग वॉर प्रोग्रेस में है रशिया और यूक्रेन के बीच। इसका इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, काफ़ी सारे रूट्स रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। तो दोस्तों, इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रैवल करने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, ऑल्दो थोड़ा एक्सपेंसिव है बट वो वेरी करता है। तो इस समय उस पर एक इफेक्ट पड़ा है। मुझे जहाँ तक अपडेट मिली है कि जो एयर कनाडा के फ़्लाइट्स हैं वो इस समय डबलिन में रुक रहे हैं, क्योंकि वो रशियन एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको रिफ्यूल करने की ज़रूरत पड़ रही है इंडिया पहुँचने से पहले। तो डबलिन में रुक कर वो 2 घंटे का स्टॉप ले रहे हैं, जिसमें कि फ़्लाइट को रिफ्यूल की जा रही है। तो उस दौरान कोई भी फ़्लाइट से इन एंड आउट नहीं होता, जस्ट रिफ्यूल करती है और चल देती है। तो स्टिल इसे डायरेक्ट ही कहा जाएगा, बट ये इम्पैक्ट अभी दिख रहा है। होपफुली वॉर ओवर होगी और इंडिया भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रिज्यूम करने जा रहा है जैसे प्री पैंडमिक का, तो होपफुली सब पहले जैसा नॉर्मल जाएगी। वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।